नमस्कार, वेलकम टू एसजी ट्यूटो। मैं हूं आपका टीचर शुभंकर। इस ट्यूटोरियल में लॉर्ड ऑफ द रिंग्स मूवी से मोगल डैगर बनाएंगे। फाइल में जाके एक मैनेज में जाके सेट प्रोजेक्ट फोल्डर करूंगा। आपको कौन सा ड्राइव में रखना है वो आपके ऊपर है। न्यू फोल्डर बना रहा हूं, इसमें रीनेम कर रहा हूं। देन ओके करूंगा। उसके बाद मैं अगर कंट्रोल ए स्पेस करता हूं, ऑटोमेटिकली उसी फोल्डर के सीन के अंदर फाइल सेव होगा। मैं इसका रीनेम करूंगा। देन सेव कर दूंगा। उसके बाद मैं फ्रंट व्यू में जाऊंगा, एक प्लेन लूंगा, क्योंकि मेरा रेफरेंस साइज मैं देख के रखा हूं। तो आप चेक कर लीजिएगा, मेरा लेंथ जो है वो 1080 में है एंड विड्थ है 1920। इसका सेगमेंट्स का ज़रूरत नहीं है, मैं इसको ऑफ करूँगा। देन कोऑर्डिनेशन में एक्स वाई जेड को मैं जीरो कर लूँगा। एम प्रेस करके मटेरियल एडिटर ओपन करूँगा, एक मटेरियल सिलेक्ट करूँगा, इसको असाइन करूँगा और व्यूपोर्ट को सिलेक्ट करके F3 प्रेस करूँगा तो यहाँ पे शेडिंग मोड दिखाएगा। उसके बाद मैं डिफ्यूज में एक बीट मैप लाऊंगा। मैं पहले से रेफरेंस मेरा कॉपी किया हुआ है, मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। देन इसको मैं यहाँ पे इंपोर्ट करूँगा। अब इसको असाइन करके अगर मैं ये ऑन करता हूँ, शो शेडेड मटेरियल इन व्यूपोर्ट, तो ये व्यूपोर्ट में शो करेगा ग्रिड के बीच में। ऐसे करके पोजीशन कर लेंगे। देन अगर हम लोग F3 प्रेस करते हैं तो क्या होता है, ये वायर फ्रेम मोड में चला जाता है। जब भी हम लोग मॉडलिंग करते हैं, कभी कभी हम लोग को F3 प्रेस करके इसका जो मेजरमेंट है वो चेक करना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए, F3 प्रेस करने से वायर फ्रेम मोड में जा रहा है। उसके लिए मैं क्या करूँगा, इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट रख के यहाँ पे एक न्यू लेयर बनाऊँगा और लेयर का नेम दे दूँगा शेडेड बोल के, और इस प्लेन को सिलेक्ट करूँगा, राइट क्लिक करूँगा, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ में जाऊँगा। यहाँ पे देखिए, ये जो डिस्प्ले प्रॉपर्टीज है, यहाँ पे देखिए बाई ऑब्जेक्ट दिखा रहा है, मैं इस पर क्लिक करूँगा, बाई लेयर हो जाएगा। अब ये जो शेडेड लेयर बनाया था, मैं इस लेयर में जाके प्रॉपर्टीज़ में जाऊँगा। डिस्प्ले के अंदर देखिए, यहाँ पे व्यू पोर्ट किया हुआ है, यहाँ पे कर दूंगा मैं शेडेड। उसके बाद जो भी मुझे चाहिए, जैसे यहाँ पे बैक फेस काल चाहिए एंड सो फ्रोजन इन ग्रे को ऑफ करना है, क्योंकि जब फ्रोज कर देंगे नहीं तो ग्रे में दिखेगा। उसके बाद इसको ओके करेंगे। अभी अगर मैं F3 प्रेस करता हूँ, देखिए ग्रिड हट जा रहा है, वायर फ्रेम मोड में जा रहा है व्यू पोर्ट, लेकिन ए प्लेन वायर फ्रेम मोड में नहीं जाएगा। तो रेफरेंस मेरा सेट हो गया। अभी मैं डिफॉल्ट लेयर में जाऊंगा, ये वाला यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा। तब क्या होगा, जब भी मैं कोई ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो इस लेयर में बनेगा। अगर ये लेयर सिलेक्ट रहता तो इस लेयर में बन जाएगा। तो मैं इस लेयर में सिलेक्ट किया, यहाँ पे आ जाऊंगा। पहले मैं ये जो गार्ड है हैंडल का, एक गार्ड बनाऊंगा। गार्ड बनाने के लिए मैं एक प्लेन ले रहा हूँ, पहले प्लेन ड्रॉ किया, मटेरियल में जाऊंगा, एक मटेरियल को असाइन कर दूंगा यहाँ पे, और इसका जो कलर होता है ऑटोमेटिक मेरा ब्लैक किया हुआ है, आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। ब्लैक को सिलेक्ट करके असाइन रेंडो में कलर को ऑफ कर दीजिए एंड ब्लैक सिलेक्ट कर लीजिए, तो ऑटोमेटिकली जो भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे वो ब्लैक कलर में ही आएगा। उससे पहले ये जो रेफरेंस इमेज है ना, रेफरेंस इमेज को मुझे थोड़ा पीछे वाई एक्सिस में थोड़ा पीछे ले जाना है, ठीक है। उसके बाद फिर से इसको फ्रीज कर लीजिए। देन फ्रंट व्यू में आऊँगा, इसको सिलेक्ट करके मैं एडिट पॉली में जाऊँगा, वर्टेक्स मोड में जाके इसको अगर F3 प्रेस करते हैं तो यहाँ पे रेफरेंस दिखेगा आपको, लेकिन ए वायर फ्रेम में रहेगा, रेफरेंस वायर फ्रेम में नहीं रहेगा। उससे पहले मैं यहाँ पे वायर फ्रेम में आके मटेरियल में जाके यहाँ पे देखिए, रियलिस्टिक मटेरियल विथआउट मैप है, विथ मैप है, इसको करूँगा। तो यहाँ पे इसमें क्या होता है, रेफरेंस थोड़ा और क्लियर दिखता है। उसके बाद मैं इसको यहाँ पे प्लेस करूँगा ऐसे रेफरेंस के हिसाब से, ओके। और ये चारों जो वर्टेक्स है वो देखिए ऑटोमेटिक इस एक्सिस में जीरो में है, तो इसको मुझे ऊपर उठाना है। उससे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो ये जो गार्ड बनेगा इसका एक रेफरेंस देखूँगा। रोटेशन टूल लेके इसको एंगल ए प्रेस करने से एंगल स्नैप ऑन होता है, इसको रखूँगा ऐसे, और इसको इस व्यू में जाके मेटेरियल भी असाइन कर देंगे। सेकेंड वाला जो मेटेरियल मैं सिलेक्ट करके रखा हूँ, इसको स्केल करेंगे इस एक्सिस से, हैंडल जिस तरह का होता है उसी तरह का एक रेफरेंस बनाएंगे, ओके। अब ये प्लेन को
मैं इस व्यू में वाई एक्सिस के यहाँ पे ऊपर लाऊंगा। देखिए इस रेफरेंस में आपको दिखेगा यहाँ पे कितना गैप है हैंडल के हिसाब से, तो मैं उसी हिसाब से यहाँ पे रखा। देन ये जो वर्टेक्स है इसका वर्टेक्स मोड में फिर से जाएंगे, ये जो होंगे ये होगा यहाँ पे ऐसे एंगल वे में, तो मैं यहाँ पे रखूँगा थोड़ा। उसके बाद स्विफ्ट लूप टूल लेंगे, यहाँ पे बीच में एक सेगमेंट लेंगे और इसको मूव करेंगे नीचे की तरफ से बेंड है ऐसे। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे बेंड दिख रहा है, तो वो बेंड करेंगे, इस वर्टेक्स को ले जाएंगे ऊपर उठाएंगे, लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट में एज को करके, तो क्या होगा कर्वेचर है वो कर्वेचर के हिसाब से मूव होगा। तो ऊपर उठा लिया मैं, देन मैं एज को सिलेक्ट करूँगा, एज को इसको कर देंगे सैम्पर। एक सेगमेंट यहां पे डाल देंगे, ओके। देन वर्टेक्स में जाके इसको फिर से ऐसे एज कांस्टेंट देख लीजिए, चेक करके इसको पोजीशन में बिठा देंगे और ऊपर भी ऐसे राउंड होगा, तो इसके हिसाब से हम लोग भी ए भी राउंड कर लेंगे थोड़ा। ये होने के बाद मैं क्या करूँगा, ये स्वीप लूप टूल लेके यहाँ पे एक सेगमेंट डालेंगे ऐसे, देन ये वाला जो एज है इसको सिलेक्ट करेंगे, W सिलेक्ट करके मूव टूल में जाएंगे एंड शिफ्ट दबा के इसको, उससे पहले हम लोग को एज कांस्टेंट से नन करना पड़ेगा, देन शिफ्ट दबा के यहाँ तक लाएंगे। इन वर्टेक्स मोड में जाएंगे, यहाँ पे पोजिशन करेंगे और ये जो है ये कहाँ पे रहेगा, ये यहाँ पे क्लोज रहेगा। देखिए इस पोजीशन में आपको दिखेगा रेफरेंस में कितना पतला होगा, तो मैं ऐसे रखूँगा यहाँ पे, और ये भी बेंड होगा। उसके लिए मैं क्या करूँगा, स्विफ्ट लूप टूल लूँगा, इसके बीच में एक सेगमेंट दूंगा, देखिए इसको इसके इस तरफ नीचे करेंगे, इसको मूव करेंगे थोड़ा नीचे की तरफ ऐसे, स्केल टूल से स्केल करेंगे पतला एंड इसको सैम्पल करेंगे, और एक सेगमेंट बढ़ा देते हैं, ओके चार सेगमेंट रखते हैं यहाँ पे, थ्री करके कर देंगे ओके। उसके बाद आप इसको एज कॉन्स्टेंट में जाके थोड़ा सा पोजीशन कर लीजिए। अब यहाँ पे भी सेगमेंट देके हम लोग इसको राउंड करना है, तो उसके लिए मैं स्वीप लूप टूल लूँगा और एक यहाँ पे बीच में एक सेगमेंट लूँगा, वर्टेक्स में जाऊँगा, इस वर्टेक्स को मैं बाहर की तरफ लूँगा, एज कॉन्स्टेंट ऑफ करके मैं इसे बाहर की तरफ लिया राउंडेड के लिए, और ये जो दो कॉर्नर है इसको सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पे करेंगे सैम्पर, ओके। और ऑल्ट सी प्रेस करेंगे, कट टूल में जाएंगे, यहाँ से यहाँ तक कट टूल में एक सेगमेंट डाल देंगे, तो यहाँ पे हमेशा हर जगह में फोर सेगमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, ओके। तो सिलेक्ट करके पहले इफेक्ट पिवट में जाके इसको मिडिल में, इसका जो पिवट पॉइंट है इस एक्सिस में मुझे चाहिए, तो मैं वाई एक्सिस में इसको राइट क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिक यहाँ पे आएगा, और एक्स एक्सिस में भी जीरो करूंगा, राइट क्लिक करूंगा तो पोजीशन में चला जाएगा। अब इस व्यू में आऊंगा, वर्टेक्स सिलेक्ट करूंगा, ये जो वर्टेक्स है मुझे एक्स एक्सिस में जीरो में पोजीशन करना है, तो राइट क्लिक करूंगा यहाँ पे तो ऑटोमेटिक ये जीरो में पोजीशन हो जाएगा। देन इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट रख के मैं जाऊंगा यूटिलिटीज़ में, इसका जो एक्स फॉर्म है मतलब कोऑर्डिनेशन है उसको ओरिजिनल पोजीशन में लाने के लिए मैं रिसेट सिलेक्टेड करूंगा, तो देखिए एक्स फॉर्म आने से ऑटोमेटिक एक्स वाई जेड फिक्स हो जाएगा। देन फिर से एडिट पॉली में जाऊंगा, इसको करूंगा सिमेट्री, पहले एक्स एक्सिस में इस तरफ आ जाएगा, देन फिर से मैं सिमेट्री करूंगा वाई एक्सिस में और इसको फ्लिप में क्लिक करूंगा। एडिट पॉली में जाऊंगा और बॉर्डर करूंगा, दोनों का बॉर्डर सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे कर दूंगा ब्रिज, तो ऑटोमेटिकली ये जॉइंट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग बनाएंगे ग्रिप, यहाँ पे ग्रिप का जो डिज़ाइन है, ग्रिप का डिज़ाइन कैसे है देखिए, जैसे ये हेलिक्स होता है ना, हेलिक्स के हिसाब से यहाँ तक है, लेकिन यहाँ पे ओवल टाइप का है, ऊपर राउंडेड है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे सिलेंडर को मैं अभी रहने देते हैं सिलेंडर को, देन यहाँ पे जाऊँगा मैं शेप्स में हेलिक्स ड्रॉ करूँगा मैं,
रोटेशन कर लूँगा, एंगल स्नैप ऑन है तो 90 डिग्री रोटेट कर लेंगे। देन इसको एक्स एक्सिस में मिडिल में, वाई एक्सिस में मिडिल में करेंगे, यहाँ तक पोजीशन करेंगे। और इसका जो साइज है, इस सिलेंडर का साइज चेक कर लेते हैं कितना था। यहाँ पे देखिए रेडियस 21 है, तो मैं 21 रखूँगा, तो रेडियस यहाँ पे कर दूँगा मैं 21। और ऊपर जो रेडियस चाहिए था उसके लिए यहाँ पे एक वो भी अगर ड्रॉ कर लेता हूँ मैं, तो एक सिलेंडर लेंगे रोटेशन सेगमेंट, मैं अभी बंद कर देता हूँ। एक्स एक्सिस में 0, वाई एक्सिस में 0 पोजीशन करेंगे। इससे थोड़ा रेडियस बढ़ेगा तो मैं इसको बढ़ाऊँगा 11, ठीक है। तो हेलिक्स में जाऊँगा, हेलिक्स पैक फिर से सिलेक्ट करूँगा, रेडियस रहेगा 11 नहीं कम रहेगा, रेडियस उससे थोड़ा कम होगा, तो मैं इसको 10 रखता हूँ। और हाइट में बढ़ा दूंगा यहाँ तक, और इसका जो टर्न्स है टर्न्स अभी मैं बढ़ाऊँगा जितना मुझे चाहिए। रेफरेंस जब तक मैच नहीं करता है आप कर लीजिए, अब इसका ज़रूरत नहीं है, इसको डिलीट कर लेंगे। इसमें मैं दूंगा एक्सट्रूड का अमाउंट थोड़ा बढ़ाऊँगा जब तक ये इसके आसपास क्लोज आ जाए। अब देखिए प्रॉब्लम क्या हो रहा है, यहाँ पे ये गैप दिख रहा है, तो मैं क्या करूँगा हेलिक्स में वापस जाके इसका जो रेडियस है ये याद रखिए, इसको भी 21 अभी कर लेते हैं। देन एक्सट्रूड में जाके अभी से इसका अमाउंट आसपास क्लोज रखिए, ज़्यादा मत बढ़ा दीजिए। तो मटेरियल में जाऊँगा, फिर इस मटेरियल को मैं यहाँ पर असाइन करूँगा, और एडिट पॉली में जाऊँगा एलिमेंट सिलेक्ट करके, ये देखिए फ्लिप है, रिवर्स हो गया है, तो इसको फ्लिप करेंगे ऐसे दिखेगा। देन भाटेक्स मोड में जाएंगे, कंट्रोल ए प्रेस करेंगे तो सब भाटेक्स सिलेक्ट हो जाएगा। वेल्ड मोड में जाएंगे, वेल्ड का वैल्यू थोड़ा बढ़ाएंगे तो आसपास जितना भी ए है वो जुड़ जाएगा। देन ओके करेंगे, ये वाला एज को सिलेक्ट करके डॉट लूप को, डॉट रिंग जो है सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल बैक स्पेस, और एक सिलेक्ट करेंगे डॉट रिंग को सिलेक्ट करेंगे कंट्रोल बैक स्पेस। थोड़ा लो पॉली में बनाना है इसलिए मैं सेगमेंट्स को थोड़ा कम कर दिया। अब बॉर्डर सिलेक्ट करेंगे, जे प्रेस करेंगे तो जो हैंडल शो करता है वो चला जाएगा। ये बॉर्डर को इसको सिलेक्ट रखते करके डब्ल्यू प्रेस करेंगे, इस व्यू में आ जाएंगे, शिफ्ट दबा के इसको ऊपर की तरफ ड्रैग करेंगे, जेड एक्सिस क्लिक करूंगा तो देखिए यहाँ से ये फ्लैट हो जाएगा। देन स्नैप ऑन करूंगा और F3 ऑन करूंगा, और स्नैप में जाके यहाँ पे ऑप्शन में जाके एनेबल एक्सिस जो कांस्टेंट है इसको ऑन कर देंगे। देन इस वाई एक्सिस को सिलेक्ट करके ये वाला वर्टेक्स में स्नैप करेंगे। सिमिलर तरीके से नीचे की तरफ बॉर्डर सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट दबा के नीचे की तरफ स्नैप ऑफ कर लीजिए, पहले शिफ्ट दबा के नीचे कर लीजिए, देन जेड एक्सिस में इसको अलाइन कर लीजिए, देन स्नैप ऑन करके इस पॉइंट पे कर लीजिए। देन वर्टेक्स कंट्रोल ए सिलेक्ट कीजिए, ऑयल में जाके जॉइंट कर लीजिए, देखिए 153 अभी 149 हो गया, मतलब ये जॉइंट हो गया। अभी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, इस व्यू में आएंगे, इसमें देंगे F50 बॉक्स, यहाँ पे जाएंगे 000 कर देंगे। अब देखिए ऊपर की तरफ हम लोग का रेफरेंस के हिसाब से क्या था, राउंड था, लेकिन नीचे की तरफ क्या था, ये हैंडल जो है इसके हिसाब से मैच होगा। तो FFD का कंट्रोल पॉइंट में जाइए, ये 4 को सिलेक्ट कीजिए, स्केल टूल लीजिए, स्केल करके इसको मैच कीजिए पहले, ओके। और ऊपर का जो राउंड का शेप है कितना होगा बड़ा, तो यहाँ पे मुझे दिखेगा वो, और बहुत बड़ा भी हो गया है तो इसको मैं छोटा करके इस पोजीशन में बिठाऊँ, इसके नीचे रहेगा यहाँ तक, देखिए ऊपर राउंड है और नीचे इसके हिसाब से शेप ले लिया है। देन फिर से मैं एडिट पॉली में जाऊंगा, अब इसको आइसोलेट सिलेक्शन मोड में चलते हैं। अब ये जो एज है मैं सिलेक्ट करूंगा, इसको छोड़ देंगे और नीचे भी उसको छोड़ देंगे। देन फिर जाएंगे एक्सट्रूड में, एक्सट्रूड का वैल्यू यहाँ पे बढ़ाएंगे कितना मुझे चाहिए, और इसको भी
इसको मैं कर दूंगा 0.85 समथिंग, ज़्यादा हो गया 0.8। वन करके मैं कर दूंगा ओके। अब भाटेक्स मोड में जाऊंगा, टारगेट वेल्ड सिलेक्ट करूंगा, ये जो भाटेक्स आया है इसको इसमें मैं टारगेट में करके जोड़ दूंगा, और नीचे का भी सिमिलर तरीके से इसको मैं यहाँ पे जोड़ दूंगा। देन कंट्रोल ए प्रेस करूंगा, वेल्ड में जाऊंगा मैं, और एक बार अगर आसपास कोई भाटेक्स है वो ज्वाइंट हो जाएगा चेक कर लूंगा। एक ए सिलेक्ट कर लीजिए, ऑल्ट आर प्रेस कीजिए तो उसमें क्या होगा, रिंग सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद एक कनेक्ट लीजिए, बीच में एक सेगमेंट चाहिए तो एक सेगमेंट लीजिए, ओके कीजिए। अब एक सेगमेंट को सिलेक्ट रहने दीजिए, पुश में जाइए, अंदर की तरफ थोड़ा पुश कीजिए, ओके। करने के बाद फिर से एडिट पॉली में जाएंगे, एज में जाएंगे तो वही एज सिलेक्ट होगा। उसके बाद एक बार सैम्पर मारेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, बहुत डिस्टेंस ज़्यादा है बोल के यहाँ पे प्रॉब्लम होता है। तो क्या करूँगा मैं, ये वर्टेक्स को सिलेक्ट करूँगा, इस वर्टेक्स सिलेक्ट करूँगा स्केल टूल से, सिलेक्शन ठीक करके देख के कहिएगा, इसको पास लाएंगे, इसको भी पास लाएंगे, सिमिलर तरीके से यहाँ पे भी सिलेक्ट कर लेंगे, ओके। देन नीचे की तरफ भी हम लोगों को सिमिलर तरीके से ये वाला ठीक करना है, तो नीचे चलते हैं, देन ये वाला एज को सिलेक्ट करेंगे, पूरा लूप को। इसको हम लोग क्या करेंगे, इस व्यू को इसको डीसिलेक्ट करेंगे, इसको भी डीसिलेक्ट करेंगे, और इसको कर देंगे सैम्पल। वैल्यू को थोड़ा सा ज़्यादा मत दीजिए, हल्का सा करके कर दीजिए ओके। और ये जो एक्स्ट्रा वर्टेक्स आया है टारगेट वेल्ड में जाके, इसको मैं यहाँ से जोड़ दूंगा सिमिलर तरीके से ऊपर भी, देन मैं एलिमेंट में जाऊंगा, पूरा एलिमेंट को सिलेक्ट करूंगा, ऑटो स्मूथ प्रेस करूंगा। अभी F4 प्रेस करके देखिए,